स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। सबसे पहले बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज की, देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में ये है कि यदि कभी आप अपने लैब में सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं तो आपको ये कुछ ऑयली कलरलेस डेंस लिक्विड के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। यदि अगर हम इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.84 एट 288 केल्विन टेम्परेचर। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग इसके सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये वाटर में सोल्यूबल होता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो ये आसानी से वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा और आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, और अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो और भी ज्यादा डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल तरीका होता है, मतलब कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ मिक्स करना चाहते हो तो इसका एक अलग से एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तरीका क्या है कि मान लीजिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिक्स करना है तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हम कंटेनर में लेते हैं वाटर को, पहले वाटर को ले लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे से क्या करते हैं, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आसानी से सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, आसानी से मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका जस्ट रिवर्स कर देते हो, अगर आप उल्टा कर देते हो कि आप पहले कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हो और बाद में अगर उसमें वाटर एड करते हो, तो ऐसा करने पर क्या होता है कि अचानक से बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है और बहुत ज्यादा हीट के अचानक से इवॉल्व होने की वजह से बर्निंग हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस एक्सीडेंट से बचने के लिए, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व ना हो, इसके लिए हम इस तरीके को फॉलो करते हैं कि पहले वाटर लेते हैं, देन उसमें हम एसिड मिलाते हैं। ओके, तो ये तो हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है। अगर आपने कभी अपने लैब में देखा हो तो अगर इसके बॉटल को ओपन कर दिया जाए तो इसमें से आपको फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, काफी स्ट्रांग एसिड होता है और फ्यूम्स इसमें से निकलती रहती है। ठीक है, और अगर वहां पे क्या हो कि अगर वहां पे वो एरिया मॉइस्ट हो, अगर जहां पे आपकी ये बॉटल रखी है सल्फ्यूरिक एसिड की, और अगर वहां पे मॉइस्चर हो, मॉइस्ट एरिया हो, तो वहां पे आपको और ही ज्यादा आसानी से उसके फ्यूम्स दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है, चले आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता है और इसके नेचर की अगर हम लोग बात करें तो इसका नेचर काफी क्या होता है, ज्वलंत नेचर का होता है। तो कभी भी अगर आप अपने लैब में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि वो आपके स्किन के कॉन्टेक्ट में ना आने पाए, क्योंकि अगर आपके स्किन के कॉन्टेक्ट में आता है तो फिर स्किन जो होगी वो बर्न हो जाएगी, उसमें छाले पड़ सकते हैं, घाव हो सकता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए इसको आपको अपने स्किन के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देना है। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में मैं आपको बस यही बताना चाहती थी कि अगर आप ये स्किन के कॉन्टेक्ट में आता है तो सीवियर बर्न हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। चलिए अब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये मेटल, नॉन मेटल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सभी को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको H2SO4 के ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस के एग्जांपल्स को बताऊं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ना। तो देखिए, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि सामने वाले स्पीसीज का ऑक्सीडेशन कर देता है, उस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसके इस तरह के एक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या,
ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का मतलब होता है सामने वाली स्पीसीज का ऑक्सीडेशन कर देना। ठीक है, तो H2SO4 में क्षमता है मेटल, नॉन मेटल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड सभी को ऑक्सीडाइज करने की। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर के साथ हमने H2SO4 का रिएक्शन जब कराया तो कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो गया कॉपर सल्फेट में। अब हम लोग यहाँ पर ये चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर H2SO4 ने कॉपर का ऑक्सीडेशन किया है ना, इस चीज को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, जीरो है ना। यहाँ पे ये एक प्योर फॉर्म में है और इस पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो है। ठीक है, अब जब इसका H2SO4 से रिएक्शन हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया कॉपर सल्फेट में, तो यहाँ पे कॉपर का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है ना। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाने का क्या मतलब है, इसका तो यही मतलब है ना कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, कॉपर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है ना। क्यों हो गया है, क्योंकि इसने H2SO4 के साथ रिएक्शन किया है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि H2SO4 हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज कॉपर है ना, इसने कॉपर का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया है ना। चलिए अब आ जाते हैं एक नॉन मेटल देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सल्फर की भी बात कर लेते हैं। तो जब हमने सल्फर का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराया तो सल्फर किसमें कन्वर्ट हो गया, सल्फर डाई ऑक्साइड में है ना। अब यहाँ पर भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। देखिए सल्फर यहाँ पे क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब इसका आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये कन्वर्ट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे अगर हम लोग सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करें तो यहाँ पे मिलेगा हमें +4 है ना। तो सल्फर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सल्फर ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तभी इस पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आया है ना। इसका ऑक्सीडेशन हो गया, कैसे हो गया, H2SO4 के द्वारा। ठीक है, इसी तरह से कार्बन में देख लीजिए, कार्बन का रिएक्शन जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है और यहाँ पे +4 है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ने कार्बन का ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को देख लिया है ना। चलिए अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग बात करेंगे H2SO4 के एसिडिटी के बारे में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये बहुत ही अच्छा एसिड होता है, अच्छे का सेंस है इसके स्ट्रेंथ से कि काफी स्ट्रांग एसिड होता है ये। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी बेसिसिटी के बारे में बात करें तो ये आपका डाई बेसिक एसिड होता है। देखिए बेसिसिटी टर्म का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि किसी एसिड के लिए जो बेसिसिटी टर्म यूज करते हैं उसका क्या सेंस होता है। देखिए कोई भी एसिड, मतलब कोई ऐसा एसिड जिसमें कि H+ आयन देने की टेंडेंसी हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो कोई ऐसा एसिड जिसमें H+ आयन देने की टेंडेंसी हो उस तरह के एसिड के बारे में मैं आपको बता दूं कि उसमें जितने H+ आयन देने की टेंडेंसी होती है, जितने H+ आयन को रिलीज करने की टेंडेंसी होती है वो उस एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। अगर हम लोग H2SO4 के बारे में बात करें ना, तो H2SO4 जो होता है इसके पास टेंडेंसी होती है 2H+ आयन को देने की, ये इजिली ब्रेक हो जाता है किसमें, 2H+SO4 2- आयन में। तो चूंकि इसके पास 2H+ आयन देने की टेंडेंसी होती है इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। हम लोग H2SO4 को डाई बेसिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये डाई बेसिक एसिड है, इट हैव टेंडेंसी टू गिव 2H+ आयन। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब इस चीज के हम लोग एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। देखिए जब हमने H2SO4 का रिएक्शन वाटर के साथ कराया, यानी कि H2SO4 को वाटर के साथ मिक्स किया, तो H2SO4 किसमें कन्वर्ट हो गया, SO4 2- आयन में, और इसने अपने 2H+ आयन को रिलीज कर दिया है ना। देखिए इसे आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि H2SO4 को आपने रिएक्शन कराया वाटर के साथ, तो देखिए इसने क्या किया, अपना एक H+ आयन रिलीज कर दिया। वो H+ आयन कहाँ पे आके जुड़ गया, वाटर से आकर के जुड़ गया, और किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर H3O+ में, और बच क्या गया यहाँ पर HSO4- है ना। और ये HSO4- फर्दर वाटर के सेकेंड मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट हुआ,
है ना। और इसने क्या किया, फर्दर एच प्लस आयन को रिलीज कर दिया इसने और ये कन्वर्ट हो गया एसओ फोर टू माइनस आयन में। और जो ये एच प्लस आयन है ये वॉटर के साथ इंटरेक्ट किया, वॉटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट किया और वॉटर मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, एच थ्री ओ प्लस आयन में, है ना। तो फाइनली एस टू एसओ फोर फाइनली किसमें कन्वर्ट हो गया, एसओ फोर टू माइनस आयन में, आयन में। इसने अपने क्या किया, इसने अपने टू एच प्लस आयन को रिलीज कर दिया, है ना। तो इससे आपको इस रिएक्शन से पता चल रहा है ना कि ये क्या है, ये आपका डाई बेसिक एसिड है, इसके पास टेंडेंसी है टू एच प्लस आयन को रिलीज करने की, है ना। उसके अलावा चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। जब हम लोग एस टू एसओ फोर का रिएक्शन इसके साथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि इस बेस के साथ कराते हैं तो ये आपका क्या है, टू सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है, दो तरह के सॉल्ट बनाता है। एक सॉल्ट आपका ये है कि एक सॉल्ट आपका ये है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और दूसरा आपका ये है सोडियम सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने सिर्फ एक ही H प्लस आयन को रिलीज किया है और यहाँ पर इसने क्या किया है, टू H प्लस आयन को रिलीज किया है, इसकी जगह पर टू Na आकर के दो सोडियम जो आकर के जुड़ गया है, ठीक है। तो यहां से मैं आपको बता दूं कि ये दो तरह के सॉल्ट यहाँ पर बना रहा है। एक जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक ही H प्लस आयन रिलीज किया है और यहाँ पर इसने टू H प्लस आयन को रिलीज किया है। तो होता तो ये डाई बेसिक एसिड ही है, टू H प्लस आयन को ही रिलीज करता है, बट उसी के अंदर मतलब जहां पर आप रिएक्शन करा रहे हो, मान लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब ही लिया है आपने और उसमें थोड़ी सी मात्रा में आपने NaOH लिया है और थोड़ी सी ही मात्रा में उसमें आपने H2SO4 मिलाया हुआ है, तो ये 2H प्लस आयन ही रिलीज करेगा, सोडियम सल्फेट ही बनेगा। बट थोड़ा बहुत ये भी टेंडेंसी है कि एक ही H प्लस आयन रिलीज हो और थोड़ा बहुत सेकेंड सॉल्ट भी बने, है ना। तो इस तरह से ये दो तरह के सॉल्ट बनाता है। बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी अफिनिटी फॉर वॉटर, अफिनिटी फॉर वॉटर यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का डिहाइड्रेटिंग कैरेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के डिहाइड्रेटिंग कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये आपका बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और इसका यूज जो है वो बहुत सारे रिएक्शंस में डिहाइड्रेशन पर्पज से किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो ये एथिल अल्कोहल से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इसे कन्वर्ट कर देता है एथिलीन, ठीक है। ये एथिल अल्कोहल का क्या कर देता है, डिहाइड्रेशन, यहां से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर देता है और इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, एथिलीन, ठीक है। इसी तरह से इसका देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस लाइक आपका सुगर हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, इस तरह के चीजों पर, इस तरह के सब्सटेंसेस पर जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो बर्न हो जाता है यानी कि वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक मास में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं सुक्रोज है, सुक्रोज में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को मिक्स करिए तो वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक मास में यानी कि वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, इसके कम्प्लीट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बाहर हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, पूरी तरह से इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और क्या बचता है, केवल और केवल कार्बन, ठीक है, केवल और केवल कार्बन यानी कि ब्लैक मास के फॉर्म में, ठीक। चलिए थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चूंकि आपको पता है कि जो आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो इसी वजह से इसका यूज बहुत सारे गैसेस को ड्राई करने में भी किया जाता है, बहुत सारे गैसेस को ड्राई करने में भी किया जाता है, वो सारी गैसेस जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन ना करती हो, ठीक है। अगर कोई ऐसी गैस है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेती है तो उसके लिए इसको नहीं यूज किया जा सकता फॉर ड्राइंग पर्पज में, लेकिन ऐसी कोई गैस है जिसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है, अगर उसमें मॉइस्चर है, हमें मॉइस्चर को हटाना है, उसे ड्राई करना है, तो आसानी से हम वहां पर H2SO4 का छिड़काव करके, स्प्रे करके उस गैस को ड्राई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन, इन सबको ड्राई करने के पर्पज से H2SO4 का यूज किया जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का आप लोग एग्जांपल भी देख चुके हैं, जब आप
कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ रहे थे फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां पर आपने देखा था कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के स्प्रे के द्वारा हम लोगों ने SO2 से मॉइस्चर को हटाया था, उसे ड्राई किया था, है ना। चलिए ये इसका थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सॉल्ट्स। देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसकी वोलाटैलिटी जो होती है वो लो होती है, ये लो वोलाटैलिटी वाला एसिड होता है। अब जब हम इसका रिएक्शन किसी ऐसे सॉल्ट के साथ कराते हैं जिसकी की वोलाटैलिटी सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा होती है, उस तरह के सॉल्ट्स को ये क्या करता है, डीकम्पोज कर देता है और उसे डीकम्पोज करके उसके करेस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जैसे यहां पर NaCl की अगर हम लोग बात करें तो NaCl ऐसा सॉल्ट है जिसकी वोलाटैलिटी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा है, ठीक है। तो जब हमने इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया तो सल्फ्यूरिक एसिड ने इसे ब्रेक कर दिया, इसे डीकम्पोज कर दिया और इसे डीकम्पोज करके इसके करेस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि किस में कन्वर्ट कर दिया, HCl में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जब हमने पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया तो इसने पोटेशियम नाइट्रेट को डीकम्पोज कर दिया इसके करेस्पॉन्डिंग एसिड में, यानी कि नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। इसी तरह से CaF2 को देखिए, कैल्शियम फ्लोराइड को, कैल्शियम फ्लोराइड की जो वोलेटैलिटी होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे ही इस सॉल्ट का रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ कराया, H2SO4 ने इससे डीकम्पोज कर दिया और कन्वर्ट कर दिया इसके करेस्पॉन्डिंग एसिड में, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम लोग यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है लेबोरेटरी में एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। बहुत सारे आप लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं अपने केमिस्ट्री लैब में तो वहां पर आप देखेंगे कि H2SO4 का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये एक लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज होता है। बाकी ये आपका अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ही, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू, है ना। चलिए सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि ये अच्छा लेबोरेटरी रिएजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो है ही, लेकिन उसके अलावा इसका यूज इंडस्ट्रीज में भी, बहुत सारी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग पर्पज में भी किया जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा इसका यूज जो है वो फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी किया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट यूज में। तो नेक्स्ट यूज में मैं आपको बता दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज बहुत सारे दूसरे एसिड्स को बनाने में भी किया जाता है, जैसे कि आपके HCl हो गए, HNO3 हो गए, ये सारे एसिड्स जो है वो आसानी से बनाए जाते हैं बाय द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जब इनके प्रिपरेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स में सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।